आम आदमी पार्टी ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कभी आदिवासियों के नाम पर, कभी महिलाओं के नाम पर तो कभी दलितों के नाम पर झूठ बोलती आ रही है। ढोंगी शिवराज सरकार इन लोगों के नाम पर कई योजना निकालती है, लेकिन योजनाओं का लाभ कौन उठा रहा है यह किसी को नहीं पता। दरअसल ग्वालियर के रायरू फार्म गांव में बरसों से रह रहे आदिवासी परिवारों को जिला प्रशासन ने सख्ती बरते हुए जमीन से बेदखल कर उनका आशियाना तोड़ दिया। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सैकड़ों आदिवासी पीड़ित परिवारों के साथ ग्रामीण विधायक और राज्य मंत्री बार सिंह कुशवाहा के गांधी रोड स्थित सरकारी बंगले पर घेराव करने प्रदर्शन करने पहुंची थी। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान मांग की कि प्रशासन और पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक उजाड़े गए आदिवासी परिवारों के आशियाना उन पर की गई पुलिसिया कार्रवाई में उन्हें न्याय दिया जाए। दो केंद्रीय मंत्री और दो प्रदेश के मंत्रियों के शहर में आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सरकार आंख और कान बंद करके बैठी है। अब यही पीड़ित जनता आने वाले 2023 के चुनाव में स्थानीय विधायक को प्रदेश सरकार को सबक सिखाएगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये समय बहुत बहुत ही पेचीदा है और सोचने वाला, लेकिन प्रदेश पर बात कर रही है जो गरीबों की देखिए, हमारी मांग है कि ये शहर, ये प्रदेश तो छोड़ दीजिए, ये शहर इतने सारे मंत्रियों से भरा हुआ है, उसके बाद भी हमारे ग्वालियर शहर की जनता परेशान है। आप आदिवासी की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की, कोई खुश नहीं है। ये आदिवासी महिलाएं हैं, रायरू फार्म के पास रहती है, इन सबकी झोंपड़ियाँ तोड़ दी गई। फिर जब ये अपनी बात रखने पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से बात रखी, तो इनकी कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो हमारा ये मानना है कि आप कुछ दे तो नहीं सकते इस जनता को, कम से कम जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके घर तो मत छीनिए। आपने अभी 20 तारीख को ही न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई थी कि सबके जो जहां रहता है उसको वहां घर दे दिए जाएंगे, तो आप एक तरफ झूठ बोल रहे हैं, आप न्यूज़पेपर्स में झूठ बोलते हैं, आप योजनाओं के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, पर कौन सी वो जनता है जिसको ये योजनाओं का फ़ायदा हो रहा है? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, भारत सिंह कुशवाहा जी को यहाँ आना पड़ेगा। ना हमें उनका कोई पीए चाहिए, ना हमें उनका कोई भी उनके बंगले से हमें कोई और नहीं चाहिए, हमें सीधे भारत सिंह कुशवाहा जी चाहिए। हम उनसे बात करना चाहते हैं और हम इतने सभ्य लोग हैं कि वो हमारे सामने आए और बात करें, और ये उन्हीं की जनता है जिसके बदौलत वो आज इतने बड़े मंत्री बन के बैठे हैं। क्या योजनाओं के नाम पर सिर्फ कद्दावर लोगों को जमीनें दी जा रही है? जी, योजनाओं के नाम पर सिर्फ पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो फंड आने वाले चुनाव में लगाया जाता है। ये स्ट्रैटेजी है सरकार की, भाजपा सरकार फंड इकट्ठा करती है योजनाओं के नाम पर और वो उनके पॉकेट में जाता है और वो आने वाले 5 साल बाद चुनाव में लगा